राहुल और जैम, आज मैं इतना खुश हूँ कि मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए। अरे भाई, 6 साल के बाद अपने दोनों बेटों को एक साथ देखने का, एक बाप को जो खुशी होती है ना, तुम उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बाबूजी, राहुल, जय, जल्दी आइए, खाना तैयार है। आप लोग भी प्लीज आइए। आओ बेटे, जल्दी आओ, खाना तैयार है। हाँ भाई, मेरे मिक्की माउस। क्या खाएंगे भैया? मिक्की बेटा, क्यों? ये हलवा लीजिए ना, नीता ने खास आपके लिए ही तो बनाया है, लीजिए। अरे वाह। तो बेटा मिक्की, भूख लगी है ना? वाह, क्या स्वादिष्ट हलवा है, मजा आ गया। बाबूजी, आज शिल्पा ने खाने में बहुत ज्यादा प्यार डाला है, इसीलिए खाना इतना टेस्टी लग रहा है सबको। अरे प्रकाश अंकल, आप यहाँ? अंकल नमस्ते। नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल, मैं तेज बीविंग में रहता हूँ। माफ करना बेटा, मेरा ध्यान कहीं और था। कोई बात नहीं अंकल, आप यहाँ धूप में अकेले बैठ के क्या कर रहे हैं? बेटा सुनील घर की चाबी देना भूल गया, पर फिक्र की कोई बात नहीं, वो आता ही होगा। अंकल तो हम सुनील जी को फोन लगा देते हैं, उन्हें तो आते आते शाम हो जाएगी। अरे नहीं, काम के वक्त उसको फोन करके परेशान मत करो। जैसी आपकी मर्जी अंकल, लेकिन कम से कम आप हमारे घर पे आके इंतजार कर लीजिए। नहीं, मुझे चलेगा, मुझे अकेला छोड़ दो। एक बात बताइए जी, आप सब लोग यहाँ पर खाना खाने बैठे थे है ना, तभी ये हाथ खाने में गिरा? जी सर। ऐसा डरावना हाथ तो हमने पहले कभी देखा ही नहीं। और सर, हम तो एकदम से डर गए थे। सर, क्या ये हाथ देख के हम पता नहीं लगा सकते कि ये आदमी का हाथ है या किसी औरत का हाथ है? ओह, इन मुजरिमों के हौसले भी दिन ब दिन बुलंद होते जा रहे हैं। ओए, अकेले में क्या बातें कर रहा है, मुझसे बात कर, क्या पता चला, बताओ जल्दी। ऐसी क्या कहानी बता रहा है सर? सचिन, जिस किसी का ये हाथ है उसकी उम्र 40 से 45 साल की है। तो बॉस, इसके साथ जो कुछ हुआ है उसे सोच करके भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। रोंगटे खड़े हो जाते? क्यों सालों के सब? इसके हाथ में से खून का एक एक कतरा निचोड़ निचोड़ के निकाला गया है। क्या कह रहे हैं सर आप? इतना कुछ किया गया इस बेचारे के साथ इसे मारने से पहले? हाँ, और उसके हाथ में खून ही नहीं, तो प्रेशर कैसा? एक डेड बॉडी का भी एक निश्चित वॉल्यूम, निश्चित प्रेशर और निश्चित डेंसिटी होती है, लेकिन इसके मुर्दा शरीर का वो डेंसिटी, वो वॉल्यूम और वो प्रेशर तीनों कम है। बहुत ही क्लिनिकली, सर्जिकली इस हाथ को काटा है। अच्छा, मतलब किसी ऐसे आदमी ने ये काम किया है जो मेडिकल के बारे में जानता है, शायद डॉक्टरी पेशे का हो सकता है। लेकिन ये है कौन, ये जानने से पहले हमें ये पता लगाना होगा कि ये हाथ किस आदमी का है, और ये हमें इस हाथ के ऊपर मिली अंगूठी ही बता सकती है। लेकिन सर, उस अंगूठी को तो जंग लग गया था ना? हाँ, अंगूठी को जंग लग गया था, इसीलिए बॉस उस अंगूठी को ब्रिमजोन कार्बाइड नाम के केमिकल में डाला है, ताकि जंग हट जाए और उस अंगूठी का असली रूप हमारे सामने आ जाए। एक मिनट।
ये देखो बॉस, ये अंगूठी एकदम साफ। ये क्या है? इस अंगूठी के अंदर दो अल्फाबेट्स इंग्रेव किए हुए हैं, आर वी। सर, ये दो अक्षर आर और वी, इनसे कैसे पता चलेगा उस आदमी के बारे में? यही तो हमारा काम है ना फ्रेडी, पता लगाना सिर्फ इन दो अक्षरों से, आर और वी। फ्रेडी, इससे भी छोटे सुराग से हमें पता चल सकता है मुजरिम कौन है। सर, हो सकता है ये आर वी मरने वाले के नाम का इनिशियल हो सकते हैं, और सचिन ये भी हो सकता है कि वो इनिशियल्स आर वी पत्नी के भी हो। वो अंगूठी शायद शादी की अंगूठी हो। सर, एक और बात, वो अंगूठी प्लैटिनम में बनाई गई थी। सर, ऐसी अंगूठियां आसानी से बाजार में मिलती नहीं है, खास ऑर्डर देकर बनवाई जाती है। बिल्कुल सही, बस उस अंगूठी का फोटोग्राफ शहर में जितने भी जौहरी है उन सबको भेज दो, पता चल जाएगा किस जौहरी ने वो अंगूठी बनाई थी और किसके लिए। आर वी। यस सर। सर, एक बात समझ में नहीं आ रही है कि अगर ये खूनी आर वी को मारना ही चाहता था तो आसान मौत भी तो दे सकता था, ये काटने की क्या जरूरत। सचिन, मरने वाले की पहचान छुपाना चाहता था, वो पहचान छुपाना चाहता था। सर, सर आपसे मिलने कुछ लोग आए हैं और वो कह रहे हैं कि अर्जेंट है। बुलाओ। आइए। नमस्ते सर। आइए, बताइए क्या बात है। सर, एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आ गई है, बस आप ही हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं। मुसीबत? कैसी मुसीबत? सर, हम लोग मोतीलाल नगर की रोज सोसाइटी से आए हैं। हमारे बिल्डिंग में एक बुजुर्ग रहते थे, प्रकाश जी। रहते थे मतलब? क्या आप नहीं रहते? सर, कल तक तो थे, सोसाइटी के पार्क में बैठे हुए देखा था हमने उन्हें, बोरिया बिस्तर बांध के बैठे थे। तो आप लोगों ने जाकर उनसे पूछा नहीं कि क्या बात है, क्या तकलीफ है, है? पता नहीं सर, हमने उनसे पूछा तो कुछ अजीब सा बड़बड़ाने लगे। सर, उनके बाहर बैठने की कुछ ना कुछ वजह जरूर है। क्या वजह हो सकती है? सर, उनका सौतेला बेटा सुनील बहुत ही ज्यादा बदतमीज और झगड़ालू किस्म का इंसान है वो। सर, हमें लगता है उसी ने ही सामान सहित अपने पिता को घर से बाहर निकाल दिया है, पता नहीं कहाँ होंगे वो। हो सकता है वो अपने ही घर वापस चले गए हों। घर में चेक किया आपने? हम लोग गए थे वहाँ पे, वो वहाँ नहीं थे, और हमने सुनील से पूछा तो उसने बोला कि उसे पता नहीं है। सर, उससे उनकी कोई परवाह नहीं है। सुनील। हेलो, कहाँ पे? एक मिनट, आप क्या नाम बताया आपने? मालती। ठीक है, देखिए आप लोग चिंता मत कीजिए, आप सिर्फ उनकी फोटो भिजवाइए हमें, हम देखते हैं। सर, मालती नाम की हाउसवाइफ इंदिरा नगर से गायब है। सर, इंदिरा नगर से मालती और मोतीलाल नगर से एक बुजुर्ग, दोनों के दोनों गायब है। इन दोनों के घर जाना पड़ेगा, पूछताछ करनी पड़ेगी। सर, हमने मिस्टर सुनील का घर अच्छे से चेक किया, प्रकाश जी नहीं है वहाँ पे, और ना ही कोई ऐसा सुराग मिला है जिससे प्रकाश जी के बारे में कुछ पता चल सके। सर, मैंने कहा था ना कि मुझे कुछ नहीं पता कि वो कहाँ चले गए। प्रकाश जी तुम्हारे सौतेले पिता थे, तुम्हारे उनके साथ अक्सर झगड़े हुआ करते थे, है ना? क्यों? सर, झगड़े होते थे, पर किस घर में झगड़े नहीं होते। इसमें सौतेले वाली बात कहाँ से आ गई सर? सगे बाप बेटों में भी तो झगड़ा होता है ना। मैंने उन्हें हमेशा सगे से ज्यादा समझा। अगर इतना प्यार था तो फिर उन्हें बाहर क्यों छोड़ दिया? सर, उन पे घर की डुप्लीकेट चाबी थी, चाहते तो घर में बैठ सकते थे। सर, मुझे तो लगता है कि इन दोनों ने मजबूर किया होगा उन्हें घर छोड़ने के लिए। आप क्या कह रहे हैं सर? हम ऐसा क्यों करेंगे? सर, आपको क्या लगता है मैं अपने पापा के साथ कुछ गलत करूंगा? सर, मेरे पापा को ढूंढ के ला दीजिए। हाँ, प्रकाश जी को तो हम ढूंढ कर निकालेंगे ही निकालेंगे, वो तो हमारा फर्ज है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर पता चला
तुम लोगों ने अपने पिताजी के साथ कोई गैर बर्ताव किया है तो अच्छा नहीं होगा, समझे? सर, ये वो लेटर है जो मालती छोड़ के गई थी। जरा बच्चों को अंदर लेके जाओ। मैं मालती अपने पूरे होश में बिना किसी दबाव के ये खत लिख रही हूँ। मैं अपनी रोजमर्रा की आम जिंदगी से इस घर गृहस्थी से तंग आ गई हूँ और अपनी मर्जी से छोड़ के जा रही हूँ। मुझे माफ कर देना विनय, माफ कर देना राहुल। कुछ दिन आप सबको बहुत तकलीफ होगी मेरे बिना, मगर फिर आदत पड़ जाएगी। मेरे वापस आने की उम्मीद मत रखना, हमारा साथ यहीं तक ही था। मालती सर, ऐसे कैसे कोई पत्नी अपने बसे बसाए घर को छोड़ के जा सकती है? वही तो। वो मैं कल बच्चे को स्कूल छोड़ने गई थी ना, तब वो मुझे वहां मिली थी तो मुझे उसका बर्ताव कुछ अजीब सा लगा। कुछ अजीब सा लगा मतलब कैसा लगा आपको? मतलब वो बच्चे के सामने रो रही थी सर। हमेशा अपना और पापा का ख्याल रखना। आप कहीं जा रहे हो क्या? मैं भी चलूंगा आपके साथ। नहीं बेटा, मैं कहीं नहीं जा रही। और रोते रोते उसने बच्चे को वैन में बिठाया और वो सब्जी लाने के लिए चली गई, और जाते जाते उसने अपना मोबाइल फोन भी तोड़ दिया। ये तो बड़ी अजीब बात है। कैसे गई वो वहां से? वो ऑटो से गई सर। और कहां गई कुछ पता चला? मेरा मतलब है क्या सुना आपने? नहीं, मैं सुन नहीं पाई सर। चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सचिन, मोतीलाल नगर और इंदिरा नगर के जितने भी रिक्शा वाले हैं उन सबको प्रकाश जी और मालती के फोटोग्राफ्स दिखाओ। एक्सक्यूज मी भाई साहब, इस आदमी को आपने यहाँ कहीं देखा क्या? नहीं सर, इनको कभी नहीं देखा। अरे आप ध्यान से देख के बताइए, हो सकता है कभी आपकी टैक्सी में बैठे हो। टैक्सी में तो दिन भर में बहुत लोग बैठते हैं साहब, हर किसी का चेहरा याद रखना मुश्किल रहता है। शुक्रिया। भाई साहब, आप देखे इन्हें, कहीं देखा है आपने? इस बुजुर्ग आदमी को तो मैंने पिंजर की खाड़ी के पास छोड़ा था। पिंजर की खाड़ी? साहब, औरत कल पक्का मेरे साथ मेरे ही ऑटो में गई थी। अरे मैडम, यहाँ इस सुनसान जगह पे कहाँ रुकवा दिया ऑटो, आगे सारा जंगल ही जंगल है। और साहब एक और बात बताऊं, वो औरत ना मुझे बड़ी अजीब सी लग रही थी साहब, पूरे रास्ते रोती हुई गई, और मोटी डोंगरी की गुफा के पास इसने मेरी ऑटो रुकवाई और उतर के चली गई। मैंने कहा भी कि मैडम अपने बाकी के पैसे तो लेती जाइए, लेकिन उसने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं, बस जंगलों की तरफ बढ़ती चली गई साहब। जी सर। अरे जयवंती, जरा देखो, देखो जरा ये टैब में, मोटी डोंगरी की गुफा और पिंजर की खाड़ी। सर ये दोनों इलाके तो कुलवाड़ी के जंगलों के आसपास हैं, काफी सुनसान इलाका लग रहा है सर। हाँ, इस इलाके में 20 किलोमीटर तो जंगल ही जंगल है, लेकिन ये दोनों ऐसे घने जंगल में उतरे क्यों? बड़ी अजीब बात है, रिंग पे आरवी गुदा है और नाम हितेन कुमार। हो सकता है इस घर के किसी और सदस्य के नाम के इनिशियल्स हों ये, क्योंकि उस जौहरी को पूरा यकीन था कि इस रिंग का ऑर्डर इसी घर में से किसी ने दिया है। जी कहिए। नमस्ते, हम CID से हैं। CID? अंदर आइए। जी हितेन ठीक तो है ना? कहाँ है वो? आप उन्हें साथ नहीं लेके आए? क्या आप इस अंगूठी को पहचानती हैं? संभालिए अपने आप को मैम, ये लीजिए। थैंक यू।
क्या आप बता सकती हैं कि इस अंगूठी पर जो आरवी इनिशियल्स बने हुए हैं, इनका क्या मतलब है? अपने माता पिता के नाम पे गुंदवाया था इन्होंने। ससुर जी का नाम राकेश था और सासू माँ का नाम विनीता। मुझे लग रहा था कि जरूर कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है। हितिन कभी मुझे बिना बताए घर से गायब नहीं हुए, क्या आप मुझे उन्हें मिलवा सकते हैं प्लीज? मैम दरअसल हमें उनका कटा हुआ हाथ। बस कुछ मत बताइए, मैं और कुछ सुन नहीं सकती। मैं जानती थी हितिन जिस राह पे चल रहे उसका अंत अच्छा नहीं होगा। हमें भी पता चल चुका है कि वो किसी गलत काम में शामिल थे, इसलिए आपने उनके गायब होने की रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई। क्या आप प्लीज हमें पूरी बात साफ साफ बताएंगे? दरअसल इन्होंने अपने कंपनी से 10 करोड़ का घोटाला किया था। 10 करोड़ का घोटाला? इन्होंने वो पैसे कहीं और काम पर लगाए, पैसे तो डूब गए, लेकिन जब कंपनी ने उनके पास पैसे की डिमांड की तो उनके पास पैसे देने के लिए फूटी कौड़ी भी नहीं थी। फिर क्या, कंपनी ने इनके ऊपर केस कर दिया। हमारा घर नीलाम होने के कगार पर आ गया। मुझे लगा शायद इसलिए 3 दिन पहले घर से गायब हो चुके हैं। और इसलिए आपने उनके गायब होने की रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई? नहीं, दरअसल अचानक मुझे इनके कंपनी से कॉल आया, किसी ने कंपनी की रकम चुकता कर ली है। मैं खुश हो गई कि शायद ये अब वापस आएंगे। एक मिनट, वो 10 करोड़ रुपए जो हितेन ने कंपनी से चुराए थे वो किसी और ने चुकते किए? किसने? पता नहीं, किसी ने इनके कंपनी के अकाउंट में वो रकम डलवा दी थी और एक चिट्ठी छोड़ी कि ये रकम वही है जो हितेन ने उनकी कंपनी से ली थी। बड़ी अजीब बात है मैम, कोई और हितेन के पैसे क्यों चुकाएगा, वो भी 10 करोड़। इसके पीछे जरूर कोई गहरा राज है। मैम आपके रिश्तेदारों ने या दोस्तों ने हितेन को ढूंढने की कोशिश नहीं की? कोशिश की न, हितेन की गाड़ी भी मिली गुलवाड़ी जंगल के पास, लेकिन हितेन का कुछ पता ही नहीं चला। गुलवाड़ी जंगल, सर ये जंगल तो काफी डरावना। प्रकाश जी और मालती यहाँ क्या करने आए होंगे? हो सकता है उन्हें झांसा दे के लाया गया हो या जबरदस्ती यहाँ पे ले आया गया हो। वो देखो, इतने सारे कपड़े, ये जूते, ओह माय गॉड, खून देखा? ओह नो, क्या हुआ? वहां तो कोई नहीं है सर। सर वहां पे कुछ था सर। सुनसान जंगल में कौन हो सकता है? ये तो सारे कपड़े जूते, मासूम भोले भाले लोगों को यहाँ बुला के मार डालता है।
प्रकाश जी का महक है ये, ये अपने बीवी बच्चों की फोटो लेके यहाँ पे क्यों आए थे? ए रुको, क्या हुआ? सर वहां पर कुछ अजीब सा था सर। गाड़ी क्या हुआ सर? सर जंगल में कोई आया है? तुम लोग देखो जरा जाके। हितेन का कटा हुआ हाथ और उसकी गाड़ी मिलती है गुलवाड़ी जंगल के आसपास। समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्यों सचे मुझे ऐसे लग रहा है कि हितेन का केस, मालती का केस और प्रकाश जी का केस, इन तीनों केसेस का आपस में कोई ना कोई संबंध है, कोई ना कोई संबंध है। सर प्रकाश जी और मालती के बारे में कुछ और पता चला है? क्या? सर ठीक हितेन की तरह ही प्रकाश जी और मालती दोनों कर्जे में थे। प्रकाश जी के बेटे को 5 लाख रुपए देने थे और मालती जी का घर गिरवी रखा था। सर दोनों के गायब होते ही इन दोनों का कर्जा किसी ने चुका दिया। हितेन भी कर्जे में था, मालती भी कर्जे में थी, प्रकाश जी भी कर्जे में थे। तीनों के तीनों गायब होते, तीनों के तीनों आखिरी बार दिखाई पड़ते हैं गुलवाड़ी जंगल के आसपास। काम करते हैं उस लाइन पर, गुलवाड़ी जंगल के लाइन पर जितने भी ऑटो रिक्शा वाले और टैक्सी वाले धंधा करते हैं सबको यहाँ लेकर आते हैं। सब हम लोगों को क्यों बुलाया? इसलिए बुलाया है कि हमें तुम लोगों की मदद चाहिए। हम क्या मदद कर सकते हैं साहब आपकी? देखो खैर गांव से गुलवाड़ी के जंगल के रास्ते पर तुम लोग अपनी अपनी गाड़ियां चलाते हो, है ना साहब? टैक्सी तो पूरे शहर में घूमती है। हाँ लेकिन सारी टैक्सियां गुलवाड़ी भी नहीं जाती, सिर्फ वही गुलवाड़ी जाती है जो खैर गांव से होकर जाती है। हाँ साहब, गुलवाड़ी पर आकर तो रास्ता ही खत्म हो जाता है, उसके बाद तो घना जंगल आता है साहब। बस तो उसी जंगल के बारे में हम लोग जानना चाहते हैं। वैसे वो रास्ता बहुत सुनसान है ना? हाँ साहब। तो फिर ऐसे सुनसान रास्ते पर ज्यादा लोग तो जाते नहीं होंगे, गिने चुने ही लोग जाते होंगे, है ना? हाँ साहब बिल्कुल। तो एक बात बताओ, पिछले 2-3 महीनों में क्या तुम लोग किसी पैसेंजर्स को उस रास्ते पर लेके गए थे? याद करो। हाँ साहब मुझे याद है साहब, मैंने पिछले 3 महीनों में उस रास्ते पर 2 अलग अलग लोगों को छोड़ा है। मैंने भी एक सवारी को छोड़ा था साहब पिछले महीने। साहब पिछले महीने मैंने भी एक सवारी छोड़ी थी, वो एक आदमी था। तो क्या लोगों के चेहरे याद आ रहे तुमको? साहब चेहरा तो नहीं याद, अबर उसकी बातें जरूर याद है। बहुत परेशान था वो, किसी से फोन पे कह रहा था कि मैं आ रहा हूँ, कुछ परेशानी तो नहीं होगी ना? साहब मुझे याद आया, मालती जी के अलावा मैंने एक लड़की को भी छोड़ा था और वो लड़की पूरे रास्ते रोती रही। साहब मुझे तो लगता है कि वो लड़की घर छोड़कर भाग कर आई थी। हाँ साहब, और गुलवाड़ी के रास्ते पर उतर गई वो। मैंने अपने सवारी से बोला था यहाँ पर ऑटो और टैक्सी नहीं मिलेगा साहब, पर उसने कोई जवाब ही नहीं दिया। सर ये तो बिल्कुल प्रकाश और मालती के केसेस जैसा। आश्रया ये तीनों के तीनों केसेस एक जैसे ही हैं और जरूर और भी ऐसे केसेस होंगे, लेकिन हितेन प्रकाश और मालती इन तीनों के जिसने भी कर्जा चुकाया है उसी ने इन तीनों को गायब भी किया है। समझ में नहीं आ रहा है ये सब करने के पीछे ये खोने का मकसद क्या है? मकसद We'll be right back.
ये देखा जंगल में पाइप कैसे आ गई, लेकिन नक्शा में तो कोई पाइप वगैरह नहीं थी। वही तो, कहीं ये पाइप भी उन अपराधियों ने तो नहीं लगाई है। काटो जरे निखिल। गाड़ी की आवाज उसी वक्त आई जब हम जंगल में थे, ये कोई संयोग नहीं है। मतलब मुजरिम को भनक लग गई थी हमारे जंगल में आने की। भले ही भनक लग गई हो, लेकिन हमारे हाथों से बचेंगे नहीं हमको। बदबू आ रही है। खून? पाइप में खून है। लोगों को मार के, उनकी लाशों को काट के इस पाइप में से खून भेजा जा रहा है। से एक आदमी का काम नहीं है ये, पूरा का पूरा गिरोह है। ये पाइप हमें उन तक पहुंचाएगा। सर मैंने मिसिंग पर्सन्स ब्यूरो से पता लगा। सर जंगल के पास जो जो लोग गायब हुए थे वो सब कर्जे में डूबे हुए थे। जो जो लोग उस गुलवाड़ी जंगल में गायब हुए सब कर्जे में डूबे हुए हैं। मतलब मेरा शक सही था, ये कोई संयोग नहीं, सोच समझ के बनाए हुआ प्लान है ये कर्जे में डूबे लोगों को निशाना बनाने का। सर लगता है ये कोई सीरियल किलर है जो कर्जे में डूबे लोगों को ही अपना शिकार बना रहा है। सर सचिन हो तो हम पता लगा ही लेंगे। ये प्रकाश, हितेन और मालती, इन तीनों के फोन रिकॉर्ड चेक किए? यस सर। क्या पता चला? सर इन तीनों के फोन रिकॉर्ड्स में तीन नंबर ऐसे हैं जो कॉमन हैं। किस किस के फोन नंबर्स हैं वो? सर दो नंबर तो बंद आ रहे हैं और तीसरा नंबर किसका है इसका पता नहीं चला है। लेकिन सर इस तीसरे नंबर से किसी जया को फोन किया गया है परसों। तीसरे नंबर से जया को फोन किया गया है? तो फिर लगता है जया की जान को खतरा है। जया की जान को खतरा है श्रेया, इस जया को फोन करो, पूछो उससे क्या वो किसी कर्जे में डूबी है क्या। जया? निखिल ये देखो टायर के निशान। टायर के निशान? अगर टायर के निशान यहाँ है तो गाड़ी भी कहीं आसपास होनी चाहिए। गाड़ी उस तरफ है, संभाल के। यहां तो आसपास कोई नहीं है। इंजन अभी भी गर्म है, मतलब जो कोई भी इस जीप में आया है यहीं आसपास। इतने सारे डब्बे? ये तो अस्पताल का सामान है, यहाँ इस जंगल के बीच क्या कर रहे हैं? वही तो। ए! ए! रुक! क्या बात है?
तुम बोलो क्या बोलना चाहते हो? कैसे ने तो तुम को नहीं मारा? मैं इसकी दिमागी हालत देख के तो नहीं लगता ये। देखो ठीक है तुम जाओ यहाँ से अभी। चलो तुमने गोली क्यों मारी? वो बेचारा डर के भाग गया। वापस आके इसको बचा लेंगे, पहले प्रकाश और मालती को बचाना जरूरी है, कहीं उनकी भी ऐसी हालत ना हो जाए। गोली की आवाज, कहीं निखिल पूरी मुसीबत में तो नहीं? लेकिन उन्हें ढूंढेंगे कैसे अभी? जिधर से गोली की आवाज आई है उधर। देखो प्लीज, जब तक मुझे पैसे नहीं मिलेंगे तुम फोन पे ही रहना। मुझे दुकान दिख गई, मैं आ रही। नहीं नहीं नहीं, तुम फोन मत रखना प्लीज प्लीज, मैं पहुंच गई। भाई साहब वो मिट्टी का तेल दो ना। मैं सीआईडी ऑफिसर, सीधे से बता दे किसके इशारे पे तूने मुझे बैग दिया, वरना ससुराल की सैर करनी पड़ेगी। वो जा रहा है नीली कमीज वाला, फोन पर मयूर ऋषिता, वो ब्लू शर्ट वाला। बस 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 बस, बहुत घूम लिया। तुम घसीटने का निशान, नहीं तो इसकी खोपड़ी उड़ा दूंगा। बस लगी तो नहीं?
मैं छोड़ दी। उसका नकाब उसका ये साथी उतारेगा। उतार उसका मास्क। सर, ये वो लेटर है जो मालती छोड़ के गई थी। आप क्या कह रहे हैं सर? हम ऐसा क्यों करेंगे? पैसों की लालच में तुम इतनी गिर गई, तुमने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। यहां तक कि अपने पिता समान ससुर तक को नहीं छोड़ा तुमने। मैंने जो कुछ भी किया लोगों की मर्जी से किया और उन्हें उनके बलिदान का दाम भी दिया। गलत। लोगों की मजबूरी का नाजायज फायदा उठाया तुम लोगों ने। उनके शरीर के अंगों का काला कारोबार कर रहे थे तुम लोग। क्यों? क्योंकि आपकी सरकार ने मेरा डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल कर दिया था। कमाल है, तुम्हारा लाइसेंस रद्द कर दिया तो तुमने लोगों को मारना शुरू कर दिया। तुम्हारे आड़े टेढ़े एक्सपेरिमेंट ने ये हाल कर दिया लोगों का। शर्म आनी चाहिए तुम दोनों को। इतना नीचे गिर गए कि अपने घर वालों को तक नहीं छोड़ा तुम लोगों ने। क्या करते सर, विदेशी ग्रुप से पैसा ले चुके थे हम और जो अंग उन्हें चाहिए थे वो हमारे पास नहीं थे, इसलिए सोचा घर वाले ही सही। बड़े बड़े मुजरिम देखे हमने, मगर तुम लोगों जैसे घटिया सोच वाले लोग आज तक नहीं देखा। बीमार हो तुम लोग, इस समाज में रहने लायक नहीं हो। किस्मत अच्छी हुई तो जिंदगी भर जेल में सड़ोगे, वरना आसार तो यही है कि अदालत फांसी देगी तुम्हें। ले जाओ इन्हें। चल। इनका किसी अच्छे अस्पताल में इलाज करवाते हैं। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।